हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है चुके फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ गाइस, रेडमी के K50i 5G डिवाइस के बारे में। एंड इसके अपने टॉपिक होने लगा गाइस कि अपने फ़ोन के नंबर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, मैं आपको बताऊँगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड अपन चलते गाइस अपने फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो गाइस क्या हो रहा है, अगर आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट में गाइस अगर आपके कोई भी नंबर अगर शो नहीं हो रहा है तो आप कैसे उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको सेटिंग को ऑन करना है। एंड गाइस आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है, अगर आप नीचे में स्क्रॉल करते हैं तो ऐप्स का, आप इस पर क्लिक करते हैं। देन आपको सिस्टम ऐप सेटिंग पे चले जाना है। फिर आपको चले जाना है गाइस कॉन्टैक्ट में, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली गाइस आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से कोई भी अपने नंबर को इम्पोर्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे देखिए गाइस काफ़ी सारी जीमेल आईडी मिल जाती है। अगर आपने इन्हें में अगर कोई नंबर को अगर जो है सेव करके रखा है तो आप उसको गाइस अपने कॉन्टैक्ट नंबर में इंपोर्ट कर सकते हैं एकदम आसानी से गाइस। अगर गाइस आपको अपना कोई भी नंबर को अगर शेयर करना है तो आप उसको यहाँ शेयर भी कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस आप इस प्रकार से अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट नंबर को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय।